23 अगस्त 2023 का वो दिन जब चंद्रयान ने चंद्रमा पर पदार्पण किया, ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सॉफ्ट लैंडिंग उससे भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बखूबी से इस कार्य को निभाया और सफलता प्राप्त की। हमारा विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को एक माँ की तरह अपने आंचल में समेटे हुए चंद्रमा पर पहुंचा और फिर वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, अथक प्रयास से बड़ी सफलता के साथ हमारा प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चलने लगा। यह क्षण पूरे भारत के लिए एक बहुत ही उत्साह का, खुशी का समय था। जब प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे विक्रम लैंडर रूपी माँ अपने प्रज्ञान रोवर रूपी बच्चे से कह रही हो, जाओ बेटा अब घूम के आओ और जो जो देखोगे वो हमको बताना। इसरो द्वारा दिखाए गए इन चित्रों से मन प्रफुल्लित हो उठता है और हर भारतीय को गर्व का अनुभव होता है। इसरो द्वारा जो ये वीडियो जारी किया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि इस समय चंद्रयान चंद्रमा की सतह के नजदीक, चंद्रमा का चित्र आप देख सकते हैं। ये वीडियो दिखाता है कि हमारा तिरंगा चंद्रमा के ऊपर लहरा रहा है और कुछ ही पलों में अथक परिश्रम से वैज्ञानिकों के, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है और एक त्योहार का माहौल पूरे देश में पैदा हो जाता है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लालायित विक्रम लैंडर की ओर थी और फिर हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कुछ ही क्षणों बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है और उस समय पूरा देश खुशी से झूम उठता है। अब आप देखिए एनिमेशन के जरिए कितना सुंदर एनिमेशन विक्रम लैंडर से एक रैंप आगे को बढ़ता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे रैंप आगे को बढ़ता हुआ और चंद्रमा की सतह पर रैंप पहुंचता हुआ और इस प्रकार से चंद्रमा की सतह पर रैंप डाउन। और अब देखिएगा ये हमारा सोलर पैनल जो प्रज्ञान रोवर में लगे हुए हैं वो खुलते हैं, ऊर्जा का संचार होता है और आगे बढ़ते हैं हमारे नन्हे मुन्ने भारत की शान प्रज्ञान रोवर। ये देखिए अब इनके जो पहिए हैं, जो छह पहिए हैं, वो चंद्रमा पर भारत की झंडे की, तिरंगे की शान के साथ पहुंचते हैं। ये आप देखिए इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लालायित और चांद की सतह पर आप देख सकते हैं ये प्रज्ञान रोवर आगे बढ़ते हुए। आप देख सकते हैं वैज्ञानिकों का अथक प्रयास, कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम का फल यहाँ पर दिखता हुआ। अब आप देखिए अपने छह पहियों के साथ चंद्रमा की सतह पर ये उतरे हमारे रोवर प्रज्ञान और आगे बढ़ चले और भारत के पद चिन्ह इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए हैं और जमीन पर लिख दिया है, चंद्रमा की धरती पर लिख दिया है अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत क्षण ये। हमारा प्रज्ञान चांद की सतह की स्क्रीनिंग करेगा, सुंदर सी फोटो भेजेगा, चांद के मौसम का डाटा भेजेगा और आयन और इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेगा और चांद पर पानी के सबूत तलाशेगा और चांद की सतह के नीचे की जो हलचल है उसका भी अध्ययन करेगा और आगे जा करके इसरो को हम आगे चल करके सलाम करते हैं अपने वैज्ञानिकों को। भारत माता की जय, ये दृश्य इतिहास में लिखा जाएगा। भारत माता की जय।